हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेबी एन सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, ये हमारा बीएफएम का वन लाइनर का सीरीज़ टू है। बीएफएम वन लाइनर का इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसको आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों, ये वन लाइनर हम लोग वन लाइनर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव है कि जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे हम लोग उसको हम लोग क्लियर कर लें, ठीक है, और ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो दोस्तों, आपका जो न्यूमेरिक ये आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेसन को आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है रिस्क कंसंट्रेशन इन एनी सिंगल एक्सपोजर और अ ग्रुप ऑफ एक्सपोजर विद द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस लॉसेज लार्ज एनफ इज नोन एज। तो दोस्तों बताइए, ऐसे आपको क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए आपका रिस्क का कंसंट्रेशन है किसी एक्सपोजर में या ग्रुप ऑफ एक्सपोजर में, इसका पोटेंशियल है कि वो लॉस को प्रोड्यूस कर सके लार्ज एनफ, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए जो टर्म है वो है क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। क्या है? क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। तो दोस्तों ये क्या टर्म है, इसके लिए करेक्ट टर्म क्या है? क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क टर्म है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक पिलर थ्री डिस्क्लोजर एज पर आरबीआई गाइडलाइन एटलीस्ट वंस। तो कब जो अपना पिलर थ्री डिस्क्लोजर है बैंक को एज पर आरबीआई गाइडलाइन कब कब करना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वंस इन अ हाफ ईयर, वंस इन अ हाफ ईयर, ठीक है। मतलब आधा साल में, छः महीना में एक बार जो है अपना डिस्क्लोजर करना ही करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, लिवरेज रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय व्हाट। तो लिवरेज रेशियो दोस्तों क्या होता है, कैपिटल मेजर हमारा नोमिनेटर में होता है और दोस्तों डिनोमिनेटर में होता है एक्सपोजर मेजर। क्या होता है दोस्तों? एक्सपोजर मेजर। तो लिवरेज रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। डैश टेस्टिंग इज डन टू कंपेयर मॉडल रिजल्ट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं हम लोग बैक टेस्टिंग। इसलिए क्या कहा जाता है? बैक टेस्टिंग किया जाता है ताकि हम लोग मॉडल रिजल्ट को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट है दोस्तों अंडर बैसल टू कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द कैपिटल एज स्पेसिफाइड बाय। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन स्पेसिफाई करता है? दोस्तों स्पेसिफाई किया जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। इट इज स्पेसिफाइड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन टेक्स ऑन फाइनेंशियल रिस्क फॉर अ फी। तो इस प्रोसेस का क्या नाम है जिसके थ्रू इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल रिस्क को लेता है किसी फी पर? तो इसे कहते हैं अंडरराइटिंग। दिस इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच द रेटिंग असाइंड बाय द एलिजिबल एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल लार्जली सपोर्ट। तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच में जो रेटिंग असाइन किया जाता है एक्सटर्नल क्रेडिट एजेंसी के द्वारा, वो क्या सपोर्ट करेगा? दोस्तों वो सपोर्ट करता है क्रेडिट रिस्क। फुल फॉर्म ऑफ एसटीएफ, तो एसटीएफ का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। आरडब्ल्यू पता ही आपको, आरडब्ल्यू होता है रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज टेकिंग एक्शन टू इलिमिनेट और रिड्यूस एक्सपोजर टू रिस्क। तो इसे कहते हैं हेजिंग। हेजिंग में क्या करते हैं दोस्तों? हेजिंग में आप एक्शन लेते हैं ताकि आप रिस्क एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकें। डैश इज अ डेब्ट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट दैट इन्वेस्टर परचेज विद द इंटेंट ऑफ सेलिंग विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली लेस देन वन ईयर। तो वो कौन सा डेब्ट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर परचेज करते हैं इस इंटेंट के साथ कि वो उसे शॉर्ट में, वो उसे कम समय में दोस्तों बेच देंगे, ठीक है, लेस देन ईयर। तो इसे कहा जाता है दोस्तों हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटी। इसे कहा जाता है दोस्तों हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटी, ठीक है। विद इन दैट टाइम फ्रेम द इन्वेस्टर होप्स टू सी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल इट फॉर प्रॉफिट। आइए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों कहा गया है, यहाँ देखिए, अ डैश इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड और आइदर अदर डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज अनसिक्योर्ड बाय कोलैटरल। तो इसे कहते हैं डिवेंचर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? डिवेंचर। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है दोस्तों, 13 में कहा गया है,
एंड डैश इज अ रिसोर्स ऑन और कंट्रोल बाय अ बिजनेस ऑन एन इकोनॉमिक एंटिटी, इट इज एनी थिंग टेंजिबल और इनटेंजिबल दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों एसेट, ठीक है। डैश इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वेंचर कैपिटल। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल दोस्तों एक तरह का प्राइवेट इक्विटी है या एक तरह का फाइनेंसिंग का टाइप है जो कि इन्वेस्टर प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप कंपनीज को और स्मॉल बिजनेस को जिसके जो कि जिसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है वेंचर कैपिटल क्या होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द रिस्क दैट यू कैन नॉट सेल एन एसेट और इन्वेस्टमेंट विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम एट फेयर प्राइस। तो दोस्तों इस रिस्क को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क। मतलब ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है कि ऐसा रिस्क है कि आप किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट को रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम या फेयर प्राइस पे नहीं सेल कर सकते हैं। डैश रेफर्स टू द रिस्क दैट अ पर्सन और बैंक मे नॉट बी एबल टू पे देयर ऑब्लिगेशन व्हेन दे कम ड्यू। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। दिस इज कॉल्ड फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। इसमें क्या होता है, एक रिस्क होता है कि जो पर्सन है या जो बैंक है वो अपने ऑब्लिगेशन को पे नहीं कर पाएंगे जब वो ड्यू होता है। डैश इज अ यूनिट ऑफ मेजर यूज इन फाइनेंस टू डिस्क्राइब द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों इसे कहते हैं बेसिस पॉइंट वैल्यू, बीपीवी। यील्ड वोलेटिलिटी इज द डैश इन यील्ड, इट इज लार्जली अनअफेक्टेड बाय द टाइम एंड ड्यूरेशन, द वोलेटिलिटी राइजेज एज यील्ड फॉल। तो दोस्तों यील्ड वोलेटिलिटी कैसे वेरी करता है दोस्तों, तो यील्ड वोलेटिलिटी दोस्तों इज अ डिग्री ऑफ वेरियंस इन यील्ड। ये क्या होता है, इट इज डिग्री ऑफ वेरियंस इन यील्ड। डैश इज अ डिग्री ऑफ वेरियंस इन प्राइस। तो दोस्तों देखिए एक होता है यील्ड वोलेटिलिटी जो कि होता है डिग्रीज ऑफ यील्ड में कितना वेरियंस आ रहा है, ठीक है, और ये टाइम एंड ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये जैसे यील्ड घटेगा तो वोलेटिलिटी आपका बढ़ेगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्या है वेरिएशन इन प्राइस की डिग्री को, तो दोस्तों इसके लिए जो टर्म है वो है प्राइस वोलेटिलिटी। उसके लिए क्या है, प्राइस वोलेटिलिटी। दिस इज लार्जली अनअफेक्टेड बाय यील्ड एंड सब्सटेंशियली अफेक्टेड बाय टाइम एंड ड्यूरेशन। देखिए ये दो समझिए, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यील्ड वोलेटिलिटी और टाइम वोलेटिलिटी। यील्ड वोलेटिलिटी जो है टाइम और ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और ये जो अपना प्राइस वोलेटिलिटी है वो टाइम और ड्यूरेशन पे अफेक्ट करता है। समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट मैक्यूलर बुक के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वन लाइनर के फॉर्म में, हो सकता है इसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलना है, यील्ड वोलेटिलिटी क्या होता है, प्राइस वोलेटिलिटी क्या होता है, आपका वेंचर कैपिटल क्या होता है, डिफॉल्ट रिस्क एंड डाउनग्रेडेड रिस्क आर। तो दोस्तों ये होता है हमारा ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क, दीज आर ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क। रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रेडिट पोर्टफोलियो एज अ होल आर टर्म्ड। तो क्रेडिट पोर्टफोलियो का एज अ होल का रिस्क होता है उसे हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो रिस्क। डैश रिस्क रेफर्स टू द रिस्क इनहेरेंट टू द एंटायर मार्केट और मार्केट सेगमेंट। तो इसे कहते हैं दोस्तों सिस्टमैटिक रिस्क। इसे क्या कहा जाता है, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क आर ऑल्सो नोन एज डैश, इट अफेक्ट्स द ओवरऑल मार्केट नॉट जस्ट अ पार्टिकुलर स्टॉक और इंडस्ट्री। तो सिस्टमैटिक रिस्क को दोस्तों हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, दोस्तों अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, या इसे आप दोस्तों वोलेटिलिटी भी कह सकते हैं या मार्केट रिस्क भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग डिपिक्स द डैश क्वालिटी ऑफ द बोरोअर एंड डिपिक्स दोस्तों डिफिक्स इज डिफॉल्ट। तो क्रेडिट रेटिंग क्या डिपेक्ट करता है, तो क्रेडिट रेटिंग डिपेक्ट करता है क्रेडिट क्वालिटी, ठीक है, डिफिक्स द क्रेडिट क्वालिटी। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन इलिक्विड एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट एंड थ्रू फाइनेंशियल इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मिंग डैम इन टू सिक्योरिटी। तो दोस्तों इस प्रोसेस को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में आप क्या करते हैं दोस्तों, इसको समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप एक इलिक्विड एसेट को लेते हैं या ग्रुप ऑफ एसेट को लेते हैं कैसे, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से, और उसको आप सिक्योरिटी में बदलते हैं। डैश इज अ लोन और फंड दैट यूजेज इन्वेस्टर्स मनी टू बाई बिजनेस लोन। तो दोस्तों इसे कहते हैं CLO। CLO का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ। CLO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोलेट्रलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। तो कोलेट्रलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन एक लोन फंड है जो कि इन्वेस्टर के पैसे को यूज करता है बिजनेस लोन को खरीदने में, CLO। दोस्तों ये क्रेडिट रिस्क काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है CLO सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। डैश इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोडक्ट दैट इज बैक्ड बाय अ पूल ऑफ लोन्स एंड अदर एसेट एंड सोल्ड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो उस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट को क्या कहते हैं जिसमें
पूल ऑफ लोन होता है, बैकिंग होता है, और उसको बेचा जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, तो इसे कहते हैं CDO। CDO का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन। और CDO इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डैश बिकॉज इट्स वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम अदर अंडरलाइंग एसेट। तो CDO एक डेरिवेटिव है। CDO क्या है दोस्तों? डेरिवेटिव है और इसका वैल्यू दूसरे अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होता है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोडक्ट है जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेचा जाता है। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन CLO एंड CDO इज दैट विद अंडरलाइंग एसेट बैकिंग दैम, है ना, क्योंकि मैंने बताया कि CDO में अंडरलाइंग एसेट होता है, CLO में ऐसा कोई एसेट नहीं है, है ना। चलिए उसके बाद CLO यूजेस डैश वाइल CDO मोस्टली यूजेस डैश। तो दोस्तों CLO क्या यूज करता है? तो CLO कॉर्पोरेट लोन को यूज करता है, ठीक है, मैंने बताया ना CLO के बारे में। CLO बेसिकली यहाँ देखिए, CLO लोन फंड होता है जिसमें इन्वेस्टर मनी को यूज करता है बिजनेस लोन खरीदने के लिए। तो ये जो इन्वेस्टर यहाँ पे कौन होते हैं? कॉर्पोरेट्स होते हैं। और जो CDO होता है दोस्तों वो डेरिवेटिव को यूज करता है, सॉरी CDO दोस्तों मॉर्टगेज को यूज करता है, ठीक है, मॉर्टगेजेस, मॉर्टगेजेस समझते हैं ना, ठीक है। तो दोनों का दोनों फाइनेंस प्रोडक्ट ही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेचा जाता है। और डैश इज अ, देखिए CLO एक वो लोन है, CLO दोस्तों क्या है कि वो आपके कॉर्पोरेट लोन के रूप में रखा जाता है, और CDO बैकिंग के लिए दिया जाता है। डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन क्रेडिट वर्दनेस ऑफ अ क्रेडिट इवेंट एक्सपीरियंस बाय द एंटिटी रेफरेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बताइए क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है क्रेडिट डेरिवेटिव। इसका करेक्ट आंसर है क्रेडिट डेरिवेटिव। क्रेडिट डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है क्रेडिट वर्दनेस और क्रेडिट रेफरेंस एक्सपीरियंस, ठीक है। डैश इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू स्वैप और ऑफसेट हिज और क्रेडिट रिस्क विद दैट ऑफ अदर इन्वेस्टर। तो दोस्तों इसे कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसे कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, शॉर्ट में से आप CDSB कर सकते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर अपने अपने क्रेडिट रिस्क को दूसरे इन्वेस्टर के साथ स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश अलाउज द पार्टी रिसीविंग द टोटल रिटर्न टू गेन एक्सपोजर एंड बेनिफिट फ्रॉम अ रेफरेंस एसेट विदाउट एक्चुअली ऑनिंग इट। दिस स्वैप आर पॉपुलर विद हेज फंड बिकॉज दे कैन प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ लार्ज एक्सपोजर टू एन एसेट विद मिनिमम कैश आउटले। तो इसे कहते हैं दोस्तों TRS। TRS क्या होता है? TRS होता है दोस्तों टोटल रिटर्न स्वैप। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों टोटल रिटर्न स्वैप, शॉर्ट में आप इसे TRS भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है ALCO स्टैंड फॉर, ALCO का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं लिख देता हूँ ALCO का फुल फॉर्म। ALCO का फुल फॉर्म होता है एसेट लाइबिलिटी कमिटी। ALM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ALM का फुल फॉर्म होता है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। डैश इज अ सिक्योरिटी विद एन एम्बेडेड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप परमिटिंग द इशूअर टू शिफ्ट स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क टू क्रेडिट इन्वेस्टर। इन रिटर्न फॉर एक्सेप्टिंग एक्सपोजर टू स्पेसिफाइड क्रेडिट रिस्क इन्वेस्टर हु बाय क्रेडिट लिंक नोट CLN, ठीक है, इस टिपिकली अर्न अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर बॉन्ड। तो ये क्या होता है, एक सिक्योरिटी का क्या नाम है दोस्तों? इस सिक्योरिटी का नाम है CLN, क्रेडिट लिंक्ड नोट। ये वो सिक्योरिटी है जिसके अंदर एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है, एम्बेडेड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप परमिटिंग द इशूअर, जिसने इशू किया इसको, वो क्रेडिट रिस्क शिफ्ट कर देता है क्रेडिट इन्वेस्टर को, ठीक है। और बदले में क्रेडिट इन्वेस्टर को क्या मिलता है? जो इन्वेस्टर क्रेडिट लिंक लोन खरीदता है ना, वो एक हाई रेट ऑफ रिटर्न अर्न करता है एज पर एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड, ठीक है। डैश इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ वन ऑप्शन एंड द सेल ऑफ सेकेंड ऑप्शन। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन। ये एक तरह का स्ट्रेटजी है जिसमें आप एक ऑप्शन को खरीदते हैं और दूसरे ऑप्शन को बेचते हैं, और जो दो ऑप्शन होता है दोस्तों स्ट्रेटजी में हैव द सेम क्लास एंड एक्सपायरेशन बट वेरी इन टर्म ऑफ स्ट्राइक प्राइस। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम लोग। कैश प्लस एक्सेस CRR बैलेंस प्लस बैलेंस विद बैंक प्लस बिल परचेज डिस्काउंटेड अप टू वन ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट अप टू वन ईयर प्लस स्वैप फंड इज नोन एज। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टेम्पररी एसेट। टोटल एसेट माइनस फिक्स एसेट प्लस बैलेंस इन करेंट अकाउंट विद अदर बैंक प्लस अदर एसेट एक्सक्लूडिंग लीजिंग प्लस इंटेंजिबल एसेट। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों अर्निंग एसेट। डैश टेस्टिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू इवेल्यूएट द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड चेंज इन रिस्क फैक्टर। तो दोस्तों इसे कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग।
इसमें क्या होता है कि आप एक किसी इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल कंडीशन के की पोटेंशियल इफेक्ट को इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डैश टेस्टिंग यूज अ हाइपोथेटिकल फ्यूचर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड टू डिफाइन चेंज इन रिस्क फैक्टर्स अफेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन। दिस विल नॉर्मली इन्वॉल्व चेंज इन नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर एज वेल एज रिपल फैक्टर। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट टर्म है सिनेरियो एनालिसिस, सिनेरियो टेस्टिंग, ठीक है। एक स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, एक बैक टेस्टिंग होता है, और एक होता है दोस्तों सिनेरियो टेस्टिंग, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल फ्यूचर स्टेट ऑफ वर्ल्ड को यूज करता है कि किससे बेसिस पे वो रिस्क फैक्टर को डिफाइन करता है। स्ट्रेस टेस्टिंग इंक्लूड, देखिए ये जो सिनेरियो टेस्टिंग है ना वो स्ट्रेस टेस्टिंग का पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या आता है दोस्तों सेंसिटिविटी टेस्टिंग। दूसरा पार्ट का नाम है सेंसिटिविटी टेस्टिंग। एक तो मैंने बताया कि स्ट्रेस टेस्टिंग का दो पार्ट है, स्ट्रेस टेस्टिंग का दो पार्ट है, एक है दोस्तों सेंसिटिविटी टेस्टिंग, और दोस्तों दूसरा मैंने क्या बताया सिनेरियो टेस्टिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इन्वॉल्व्स एन इंक्रीमेंटल चेंज इन द रिस्क फैक्टर, इट इज टिपिकली कंडक्टेड ओवर अ शॉर्ट टर्म होराइजन, फॉर एग्जांपल एन इंस्टेंटेनियस शॉक। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ठीक है। मतलब किसी एक फैक्टर के चेंज के कारण क्या चेंज हो रहा है इसे कहा जाता है सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है दोस्तों, इससे सेंसिटिविटी से न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर के जाइएगा। कोल डिपॉजिट इज इक्वल टू ऑल डिपॉजिट इंक्लूडिंग कासा एफ वन ईयर प्लस, तो प्लस नेटवर्थ आता है दोस्तों आपका। अ डैश इज अ लिक्विडिटी क्राइसिस मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट, द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एज अ डायरेक्टिव फॉर द फ्यूचर इमरजेंसी एंड स्टैंड रेडी टू बी रेफरेंस्ड एज अ रिस्पॉन्स प्लान एंड पोटेंशियल फॉरकास्ट ऑफ हाउ अ डिस्टिंक्ट लिक्विडिटी इवेंट मे अनफोल्ड। तो दोस्तों इसे कहा जाता है कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान, कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान, शॉर्ट में से आप CFP भी कह सकते हैं। डैश रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर देयर ऑनगोइंग एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों इसे कहा जाता है ये देखिए ये जो हाई लिक्विड एसेट का प्रोपोर्शन है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रखती है ताकि अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सके, तो इसका नाम दिया गया दोस्तों लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, शॉर्ट में से LCR कहा जाता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो ये LC आपके SQLA का वो प्रपोजल है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रखती है ताकि अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सके। LCR इज अ रिक्वायरमेंट अंडर बेसल 3 वेयर बाय बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एन अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट दैट इनफ टू फंड कैश आउटफ्लो फॉर हाउ मेनी डेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 30 दिन तक, ठीक है। मतलब LCR के अंतर्गत बैंक एक अमाउंट ऑफ SQLA रखती है जिसके थ्रू वो कैश आउटफ्लो को इनफ ये कर सके, प्रोवाइड कर सके 30 दिन तक। ये मैंने पिछले यूनिट में भी समझाया था आप लोगों को, पिछले वन लाइनर सेशन में ये समझाया था, याद रखिएगा 30 दिन से करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए एसेट आर कंसिडर टू बी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट इफ दे कैन बी इजिली एंड इमीडिएटली कन्वर्टेड इन टू डैश एट अ लॉस ऑफ वैल्यू। तो एसेट को आप SQLA कब कहेंगे कि जब आप उसे किस में कन्वर्ट कर दें, दोस्तों उसको आप कैश में कन्वर्ट कर दें। डैश इज अ लिक्विडिटी स्टैंडर्ड रिक्वायरिंग बैंक टू होल्ड इनफ स्टेबल फंडिंग टू कवर द ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट। डैश बैंक मस्ट मेंटेन अ रेशियो ऑफ 100% टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। बताइए उस लिक्विडिटी स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है NSFR। क्या कहा जाता है दोस्तों NSFR, ठीक है। NSFR कहा जाता है, NSFR का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो ये रेशियो एक लिक्विडिटी स्टैंडर्ड होता है जिसको बैंक के पास इनफ स्टेबल फंडिंग हो ताकि वो लॉन्ग टर्म एसेट के ड्यूरेशन को कवर कर पाए, और ये रेशियो 100% होना चाहिए NSFR, ठीक है। LCR इज द रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ SQLA एंड नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डे, ठीक है, 30 कैलेंडर डे। तो दोस्तों इसे फॉर्मूला याद रखिएगा, जब आपको LCR पूछा जाए तो आप SQLA को न्यूमरेटर में लिख दीजिए, कैश आउटफ्लो को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। इस पर मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया LCR पे, ठीक है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑन देयर LCR इन देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर, तो कब, अंडर नोट्स ऑफ अकाउंट, अंडर नोट्स ऑन अकाउंट। डैश इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर SLR दैट कैन बी प्लेस टू रेज लिक्विड एसिड टू मीट LCR रिक्वायरमेंट अंडर बैसल 3। तो इसे कहा जाता है दोस्तों FALLCR, FALLCR फुल फॉर्म याद रखिएगा, फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो पार्ट है जिसको SLR के अंदर रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ रखा जाता है, SLR के अंदर रखा जाता है। SLR क्या है, स्टेटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है। तो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जिसके अंदर FALLCR आता है, जिसको आपको प्लेस कर सकते हैं
हाँ, ताकि आप लिक्विड एसिड को रेज कर सकें एलसीआर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बेसल थ्री के अंतर्गत। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ बैंक इज क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी। तो दोस्तों इसका तीन कैटेगरी का नाम है एसटीएम, हेल्ड टू मैच्योरिटी, दूसरा है अवेलेबल फॉर सेल, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एएफएस अवेलेबल फॉर सेल, और तीसरा एचएफटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी कि हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। बैंक नॉर्मली होल्ड सिक्योरिटी एक्वायर बाय देम विद द इंटेंशन टू होल्ड देम अप टू मैच्योरिटी। तो बैंक सिक्योरिटी क्यों होल्ड करती है? ताकि उसको मैच्योरिटी तक रखें। किस कैटेगरी के अंदर? तो ये एसटीएम कैटेगरी के अंदर। तो बैंक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसटीएम में, एएफएस में और एचएफटी में। दोस्तों जितना पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है आपके सामने है। डैश डिनोट द प्राइस और द रेशियो और द वैल्यू एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये हमारा फॉरेक्स से क्वेश्चन है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो प्राइस होता है या एक वो रेशियो है या जिसपे एक करेंसी को दूसरे करेंसी के लिए एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी विच आर एक्सचेंज फॉर अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अदर करेंसी इज कॉल्ड। तो अभी तो मैंने देखा कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी में आप एक्सचेंज करते हैं, तो जिस प्राइस पे करते हैं उसे हम लोग एक्सचेंज रेट करते हैं। जैसा कि मैं लिख दूँ, वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹75। तो ये जो है एक्सचेंज रेट है, ठीक है, इस प्राइस को कहते हैं एक्सचेंज रेट। अब वो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। इसे क्या कहा जाता है? एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। डैश ट्रेड मीन्स दैट ट्रेड आर कंक्लूडेड थ्रू टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इसे कहा जाता है ओटीसी, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेड को कंक्लूड किया जाता है टेलीफोन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, इसे ओवर द काउंटर कहा जाता है। ठीक है, सब क्लियर है कंसेप्ट? बेसिक कंसेप्ट को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज डिस्क्राइब एज अ डैश मार्केट एज देर इज नो फिजिकल प्लेस वेयर पार्टिसिपेंट मीन्स टू। तो ये वर्चुअल मार्केट होता है दोस्तों, है ना, इसीलिए ओटीसी मार्केट कहा जाता है। तो ओटीसी मार्केट इसलिए क्योंकि यहाँ कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जहाँ पर पार्टिसिपेंट मिलकर डील को एग्जीक्यूट करें, है ना, वर्चुअल या ओटीसी मार्केट कहते हैं हम लोग इसे। डैश पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज। द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहाँ का है? तो लंदन का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मोस्ट मार्केट यूएस डॉलर इज द डैश करेंसी दैट इज करेंसी यूज टू डिनोमिनेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो ये इसे कहा जाता है वैकल करेंसी। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? वैकल करेंसी। दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड। तो जिस दिन आपका फंड सेटल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैल्यू डेट। उसे क्या कहते हैं? वैल्यू डेट। एलपीजी प्रोसेस का क्या मतलब होता है? तो एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लंबा लंबा वर्ड है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। डैश रेट इज अ रेट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दैट टाइज द कंट्री ऑफिशियल करेंसी एक्सचेंज रेट टू अनदर कंट्री करेंसी और द प्राइस ऑफ गोल्ड। बताइए उस रेट को क्या कहते हैं जो कि एक सरकार या कोई सेंट्रल बैंक फिक्स करती है किसी कंट्री के ऑफिशियल करेंसी के साथ गोल्ड के प्राइस को। तो दोस्तों इसके लिए जो टर्म यूज है उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। द पर्पस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज टू कीप अ करेंसी वैल्यू विद इन अ नॉन नैरो बैंड। द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिनोट्स अ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या डिनोट करता है दोस्तों? ये डिनोट करता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इट डिनोट्स नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को। डैश रेट इज डिटरमाइंड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड इट जनरली फ्लक्चुएट कॉन्स्टेंटली। देखिए एक तो होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होता है दोस्तों हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, समझ रहे हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है दोस्तों। तो दो तरह का एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फ्लोटिंग जो फिक्स होता है वो सरकार फिक्स करती है, लेकिन फ्लोटिंग वाला जो होता है दोस्तों, ठीक है, तो वो फ्लोटिंग वाला जो होता है वो कौन फिक्स करती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फिक्स करती है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। द कोटेशन इन द इंटर बैंक मार्केट इज अ डैश कोटेशन, इट मीन्स द रेट कोटेड बाय द मार्केट मेकर विल इंडिकेट टू प्राइस। तो इस कोटेशन को कहते हैं टू वे कोटेशन। क्या कहा जाता है इसे? टू वे कोटेशन। द एक्सचेंज कोटेशन विच गिव्स द प्राइस फॉर द फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डैश करेंसी। एक होता है डायरेक्ट कोटेशन, तो इसमें क्या होता है कि जिसमें आपका फॉरेन करेंसी का प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ क्या होगा दोस्तों बताइए? इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1 US डॉलर बराबर ₹75, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी का प्राइस हम किसके टर्म में बता रहे हैं, डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में बता रहे हैं ना, तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है। और इस डायरेक्ट कोटेशन में बैंक कौन सा रूल अप्लाई करती है, तो बैंक अप्लाई करती है रूल बाय लो सेल हाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कोटेशन विल विच गिव द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ, इसको आगे देखते हैं, पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज, तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट कोटेशन। देखिए इसके जैसे एग्जांपल में देता हूँ, जैसे मैं कह दूँ क्या कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 0.075 US डॉलर, तो यहाँ पे देखिए फॉरेन करेंसी को पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग इसे इनडायरेक्ट कोटेशन कहेंगे। और इनडायरेक्ट कोटेशन में बैंक कौन सा रूल अप्लाई करती है, तो बैंक अप्लाई करती है बाय हाई सेल लो, ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। डैश रेट रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी ईच ऑफ विच हैज एन एक्सचेंज कोड रेट कोट अगेंस्ट कॉमन करेंसी, तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्रॉस रेट, है ना। आपको पता है कि आपके पास 3 करेंसी हो, आप 2 करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट, तो ये जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप यूरो ले लीजिए, ठीक है, और एक आप ले लीजिए US डॉलर, ठीक है, या आप रुपीज ले लीजिए, तो यूरो और रुपीज को आपको रिलेट करना है, लेकिन आपको यूरो US डॉलर पता है और रुपीज US डॉलर पता है, ये तो यहाँ पे आप क्रॉस रेट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को। डैश इज इन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर एट अ प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सेट एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, इस एग्रीमेंट को कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है ना, इस एग्रीमेंट को कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि हम सर्टेन डेट पे आगे आने वाले इतने तीसरे तारीख पे इस करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। डैश कॉन्ट्रैक्ट लॉक्स इन एन एक्सचेंज रेट एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द एक्सचेंज रेट मे बी ऑन फ्यूचर डेट द ट्रांजेक्शन विल बी पुट थ्रू एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट, ठीक है, तो इसे कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अंडर डैश कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर हैज नॉट ओनली द राइट टू एक्वायर और सेल फॉरेन करेंसी ऑन फ्यूचर डेट बट ऑल्सो इज एन ऑब्लिगेशन टू मीट द कमिटमेंट, यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर राइट आ जाता है कि आपको करना ही करना है, ठीक है, कोई ये नहीं है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखिएगा। अब फॉरवर्ड प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन करंट स्पॉट रेट एंड, बताइए फॉरवर्ड, ये तो की दोस्तों ये सब फॉर्मूला सब है, तो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको फॉर्मूला की तरह ट्रीट कीजिए। तो फॉरवर्ड प्रीमियम किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है, स्पॉट रेट और किसके बीच का दोस्तों, बताइए स्पॉट रेट और दोस्तों फॉरवर्ड रेट के बीच का डिफरेंस होता है। डैश रेफर्स टू एन एक्सचेंज ऑफ वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर बिटवीन पार्टीज कंसर्न, एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट प्री डिटरमाइंड टाइम एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप दूसरे के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं दो पार्टीज के बीच में, इसे कहा जाता है दोस्तों स्वैप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है स्वैप कहा गया है। डैश रेफर्स टू अ बॉन्ड एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी बाय एन इंडियन कंपनी द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज पेबल इन फॉरेन, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत भारतीय कंपनी के द्वारा एक बॉन्ड जो कि फॉरेन करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस है, जिसका प्रिंसिपल, जिसका ब्याज और जिसका मूलधन दोनों का दोनों फॉरेन करेंसी में पेबल होगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है FCEB फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। डैश इज अ टाइप ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड इन अ करेंसी डिफरेंट देन द इशू डोमेस्टिक करेंसी, इन अदर वर्ड द मनी बींग रेज बाय द इशूइंग कंपनी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब जो कंपनी उस बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड को इशू कर रही है वो पैसा दूसरे फॉरेन करेंसी में लेना चाह रही है, तो इसके लिए जो नाम दिया गया है वो FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। डैश बॉन्ड इज अ मिक्स बिटवीन अ डेब्ट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो इसे कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है कि आप उस बॉन्ड को आगे जाकर इक्विटी में बदल सकते हैं, है ना, बॉन्ड एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, आप उसे इक्विटी में यदि बदलना चाहते हैं तो कन्वर्टेबल बॉन्ड यदि रहेगा तो उसको आप बदल दीजिएगा। तो ऊपर दोनों बॉन्ड जो के बारे में मैंने आपको बताया FCEB और FCCB दोनों के दोनों कन्वर्टेबल बॉन्ड है। डैश इज अ बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन करेंसी फॉर शेयर इन फॉरेन कंपनी, आपको किसी विदेशी कंपनी में शेयर चाहिए तो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना, तो उसका क्या नाम है, उसको कहते हैं GDR, आपने पढ़ा होगा दोस्तों इसके बारे में, इसे कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, ये एक से ज़्यादा कंट्री के में इशू किया जाता है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों हमारा, अब आगे क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा, डैश आर कमर्शियल लोन रेज्ड बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज एंड शुड कंफर्म टू द पैरामीटर्स एज मिनिमम मैच्योरिटी परमिटेड एंड नॉन परमिटेड इंड्यूसेस मैक्सिमम इन कॉस्ट सीलिंग,
कोई देखिए कोई रेजिडेंट इंटिटीज है वो दूसरे नॉन रेजिडेंट इंटिटीज के साथ दोस्तों कमर्शियल लोन रेज कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ECBs, ठीक है। ये वो कमर्शियल लोन है जो कि एलिजिबल रेजिडेंशियल इंटिटीज लेता है, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट इंटिटीज एंड शुड कंफर्म टू द पैरामीटर। द डेट ऑन विच एन इनलैंड बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज। तो कोई भी इनलैंड बिल है वो ड्यू हो गया है पेमेंट के लिए, इसका दिन आप किस बेसिस पे निकालते हैं, तो इसको निकाला जाता है दोस्तों जिस दिन उस बिल को ड्रॉ किया गया उस बेसिस पे। बट द पीरियड ऑफ फॉरिंग बिल रन फ्रॉम द डेट ऑन विच द बिल वॉज, तो ये बिल जब एक्सेप्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसको समझिए। कोई भी इनलैंड बिल है, ठीक है, तो देखिए एक इनलैंड बिल एक होगा, कोई भी बिल होगा दोस्तों उसका एक अपना एक ड्रॉ डेट होता है, ठीक है, जिस दिन उस बिल को ड्रॉ किया गया। और एक होता है दोस्तों, एक होता है एक्सेप्ट डेट, जिस दिन उस बिल को एक्सेप्ट किया गया। और दोस्तों एक होता है दोस्तों एक ड्यू डेट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जिस दिन वो पेमेंट के लिए ड्यू होता है, तो ये जो ड्यू डेट है वो आप कब से लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो ड्यू डेट है वो निकालते हैं जिस दिन उसे ड्रॉ किया गया उस दिन से, लेकिन जो पीरियड ऑफ फॉरेन बिल है, फॉरेन बिल का जो पीरियड है वो कब से होता है, वो एक्सेप्ट वाले डेट से होता है। और एट फिजिकल मार्केट्स द बैंक मीट इन इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड ऑन द बेसिस ऑफ बार्गेन फिक्स रेट फॉर द नंबर ऑफ मेजर करेंसी। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड, इस प्रैक्टिस को हम लोग फिक्सिंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिक्सिंग। द बाइंग रेट इज ऑल्सो नोन एज, तो बाइंग रेट का दूसरा नाम है बिड रेट, है ना, और सेलिंग रेट को हम लोग ऑफर रेट कहते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस रेट इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द बैंक इज नोन एज, इसे इसे कहते हैं स्प्रेड, ठीक है, इसे कहा जाता है प्रॉफिट को कहा जाता है स्प्रेड। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में करवा रहा हूँ दोस्तों। यदि आपको लेसन पसंद आ रहा हो एक लाइक जरूर कर दें। यदि आपको 2000 MCQ का सेशन चाहिए दोस्तों, 2000 MCQ का प्रैक्टिस करना है, इसमें न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब इन्वॉल्व है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं आपको आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा जो कि पेड PDF है। यदि आपको मॉक टेस्ट में अपियर होना है दोस्तों, AVM के AVM में बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था, और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वो AVM को क्लियर किए हैं। तो यदि आप भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं AVM का, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में। वेन द एग्रीमेंट टू बाई एंड सेल इज एग्रीड अपॉन एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द सेम डे, मतलब आपने एग्रीमेंट किया खरीदने का या बेचने का और आज ही के दिन उसी दिन आपने एग्जीक्यूट कर दिया, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, इस ट्रांजेक्शन को आप कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन, या आप इसे कह देते हैं रेडी ट्रांजेक्शन, और इसे कहा जाता है दोस्तों इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू टूडे, इसको वैल्यू टूडे भी कहा जाता है। द ट्रांजेक्शन जहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज होगा 2 दिन बाद होगा कॉन्ट्रैक्ट से, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है स्पॉट ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसे आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। द रेट कोटेड एंड ट्रांजेक्टेड टूडे, दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस रेट को आप कोट कर रहे हैं और ट्रांजैक्ट कर रहे हैं आज फॉर सेटलमेंट के लिए, कल सेटलमेंट होगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उस रेट को कहते हैं दोस्तों टॉम रेट, कल होना है तो टुमारो के लिए टॉम रेट लगता है। और रेट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, इसे कहते हैं दोस्तों फॉरवर्ड रेट। तो ट्रांजेक्शन यदि फ्यूचर में होगा तो वहाँ पर कौन सा रेट लगेगा, फॉरवर्ड रेट लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारा द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रेट एंड द स्पॉट रेट इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है फॉरवर्ड मार्जिन, और इसे आप इसके इसका एक और नाम है स्वैप पॉइंट। अंडर डायरेक्ट कोटेशन प्रीमियम इज डैश स्पॉट रेट टू अराइव एट द फॉरवर्ड रेट, बताइए डायरेक्ट कोटेशन में प्रीमियम को क्या करते हैं, तो डायरेक्ट कोटेशन में दोस्तों प्रीमियम को ऐड करते हैं, ठीक है, एडेड टू स्पॉट रेट, स्पॉट रेट पे प्रीमियम को ऐड करेंगे तब फॉरवर्ड रेट पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रीमियम होता है और एक दो डिस्काउंट होता है, तो ये चाहे परचेज ट्रांजेक्शन हो चाहे सेल ट्रांजेक्शन हो, दोनों में के देश में प्रीमियम को ऐड करते हैं स्पॉट रेट में तो हमें फॉरवर्ड रेट पे आते हैं। और दोस्तों डायरेक्ट कोटेशन में डिस्काउंट को क्या करते हैं, तो डिस्काउंट को दोस्तों हम लोग डायरेक्ट कोटेशन में डिडक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं ताकि फॉरवर्ड रेट पे आने के लिए। चलिए डैश रेफर्स टू कवरिंग ऑफ फॉरन ट्रेड रिस्क एज इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर टू गार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट लॉसेस एट फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसके लिए वर्ड किया गया हेजिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट कोटेशन में प्रीमियम को ऐड करेंगे चाहे वो परचेस ट्रांजेक्शन हो चाहे वो सेल ट्रांजेक्शन हो, और डिस्काउंट को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको देख दिख जाएगा प्रीमियम है या डिस्काउंट है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे वहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, यहाँ पर राइट है ऑब्लिगेशन नहीं है, तो दोस्तों इसके लिए नाम है ऑप्शन।
देखिए एक था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे राइट भी है ऑब्लिगेशन भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है केवल राइट। यहाँ पे आपके पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। द ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज। तो दोस्तों इसका मतलब समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिगेशन नहीं होना का मतलब क्या है इसको समझिए। द ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज। तो यदि आप बाय करेंगे तो उसे कहते हैं कॉल ऑप्शन, और सेल करेंगे उसे कहते हैं हम लोग पुट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग एसेट बायर द ऑप्शन इज नोन एज। तो यदि आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं अंडरलाइंग एसेट को ऑप्शन के मदद से, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों आप, इसे कहते हैं एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, यानी कि आप ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। यू आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को। नेक्स्ट कंसेप्ट है द बायर ऑफ द ऑप्शन इज नोन एज। तो जो ऑप्शन का बायर होता है उसे 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 लिए क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लॉन्ग, ठीक है। और उसको कहा जाता है एंड द सेलर ऑफ द ऑप्शन इज नोन एज द राइटर ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों द प्राइस फॉर द ऑप्शन, जो प्राइस होता है उसको प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन का प्राइस होता है उसको प्रीमियम कहा जाता है। डैश मीन साइमल्टेनियस सेल ऑफ स्पॉट करेंसी फॉर द फॉरवर्ड परचेज ऑफ द सेम करेंसी। तो इसे इसको करता है दोस्तों, इसे स्वैप कहा जाता है, ठीक है। स्वैप में आप दोनों काम कर रहे हैं, स्पॉट करेंसी को सेल कर रहे हैं और फॉरवर्ड करेंसी को परचेज कर रहे हैं फॉर द सेम करेंसी, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। डैश रिस्क रेफर्स टू द लॉसेज दैट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मे इनकर टू करेंसी फ्लक्चुएशन। तो इस रिस्क को कहा जाता है फॉरन एक्सचेंज रिस्क। डैश इज द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन, इसे कहा जाता है ट्रांजेक्शन। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी बिजनेसेस हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो जिस अनसर्टेनिटी को फेस करते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जिस रिस्क को कंपनी इक्विटीज एसेट लाइबिलिटीज या इनकम चेंज हो जाएगा इसके वैल्यू में, है ना, एक्सचेंज रेट के कारण, उस रिस्क को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर को समझिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के कारण ट्रांजैक्शन होता है, और कंपनी का इक्विटी एसेट लायबिलिटी में चेंज होने के कारण उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने समझाया है, CDO क्या होता है, CLO क्या होता है, CDN क्या होता है, सभी चीज़ों को हम लोग समझे हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको PDF से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।